हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. दिस इज आदर्श मौर्य एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. एंड टुडे टॉपिक इज ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट. आज का टॉपिक हैमलेट पे है और आज करेंगे डिस्कस इसके इस प्ले के कितने कैरेक्टर हैं और किस कैरेक्टर का क्या रोल है. काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है. इसके पहले मैंने एक क्लास या विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे हो चुकी है, जिसको आप लोग देख लीजिएगा. इसके पहले मैंने एक फेमस ट्रेजेडी, फोर ग्रेट ट्रेजेडी है जैसा कि आप लोगों को पता है शेक्सपियर की, उसमें से एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में हमने डिस्कस किया है. इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जाइएगा, इसका उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि जब एक सीक्वेंस वाइज में चलेंगे तो काफ़ी हम लोगों को समझ में आएगा. और ये क्लास अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाली है टीचिंग की और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है. जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में वो क्लास कर सकता है. और जो कम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं, जो जिनका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी राजस्थान टीजीटी और ये इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किए हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से एकदम स्टे कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे. और सबसे मेन बात, ये ट्रेजेडी किस्म की है तो विलियम शेक्सपियर की है. विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों को होना चाहिए. तो सबसे पहले जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ कहाँ हुआ था. तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था, किसको किसको पता है आप लोग पहले कमेंट करके बताइए, बहुत ज़रूरी होता है. उनको बार्ड ऑफ एवान कहा जाता है. ठीक, स्टार्टफोर्ड अपान एवान ये प्लेस का नाम है जहाँ उनका बर्थ हुआ था. और ये प्लेस का नहीं, ये उनके विलेज का नाम है. इसमें सबसे मेन बात बताऊँ कि आन और कभी कभी अपान और आन करके दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है. और आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टफोर्ड अपान एवान जो है ये इनके विलेज का नाम होता है, और स्टार्टफोर्ड आन एवान जो है वो इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि उनके ज़िले का क्या नाम था, गांव का क्या नाम था. ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा, ये सस्पेंस मैंने क्लियर किया. काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों ने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आन है या एवान है. तो उनके विलेज का नाम पूछा जाता है. अगर हम लोग ऑप्शन वाइज जाएंगे, अगर उनका मेन, पहले तो मेन अपान को ही माना जाता है, स्टार्ट फोर अपान एवान को ही माना जाता है. अगर उसके वो ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग आन को कंसीडर करते हैं. तो उसका मतलब ये हो गया कि उनके ज़िले को पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं. और सबसे मेन बात, इनका बर्थ क्या है. अगर इनका बर्थ डेट की बात करें तो, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका जो डेट है वो तो सबको पता है, लेकिन इनका जो एग्जैक्ट बर्थ डेट है किसी को नहीं पता है अभी तक. और एक कंसीडर किया गया है, एक मान लिया गया है. और इनका विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था, आप लोगों को पता ही है कि 23 अप्रैल को माना जाता है. और 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन में उनका जो है डेट ऑफ बर्थ कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल 1564 को उनका डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है ऑफिशियली. ठीक, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट कोई सोर्स नहीं मिलता कि इस डेट को इनका बर्थ हुआ था. एक कंसीडर किया गया है और आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप 23 अप्रैल ही मानेंगे. और 26 अप्रैल को इनका क्या हुआ था, बैप्टिज़म हुआ था. एक क्रिश्चियन सोसाइटी में संस्कार होता है जिसमें जो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका बैप्टिज़म का सेंस नामकरण से है, नामकरण होता है उसमें.
और क्या होता है कि जो बच्चे बच्चे को ले जाते हैं चर्च में, और वहाँ एक मतलब पवित्र जल होता है, वाटर होता है, जिसमें उसको डुबो करके निकाला जाता है, जो कि एक तरीके का वो क्रिश्चियन सोसाइटी का कल्चर है, और उसी के थ्रू उनका नामकरण होता है। तो अगर पूछ लिया जाए इनका विलियम शेक्सपियर कब बैप्टाइज्ड हुए थे, तो 26 अप्रैल बताना है, और डेट पूछ लिया जाए बर्थ डेट तो 23 अप्रैल को। अब कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो कंसीडर किया जाता है, जो स्कॉलर मानते हैं, और जो कई कई जगह देखने को मिलता है हमको, तो 23 अप्रैल है। ठीक, अगर 23 और 26 में आपको अगर चूज करने को मिल जाए, तो आप लोग 23 अप्रैल को चूज करिएगा, क्योंकि इसी डेट को इनका डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ डेट सेलिब्रेट किया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, ये तो इनका जन्म हुआ। और इनके पेरेंट्स कौन थे, तो पेरेंट्स आप लोगों को पता है कि चार ऐसे राइटर हैं जिनके पेरेंट्स की बात करें, अगर फादर की बात करें, तो उनके नाम के पहले, जिसको हम प्री बोलते हैं, प्री जॉन यूज करेंगे, JOHN जॉन, ये वर्ड अगर हम लोग यूज कर देते हैं जॉन शेक्सपियर, तो इनके फादर का नाम हो जाएगा। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस हो गया, और इनको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनके इनके जो शादी होती है, इनकी वाइफ इनसे 8 ईयर ओल्ड होती है, एन हैथवे, और इनका एज 18 होता है, उनका 26 होता है। ये दोनों लोग अफेयर में होते हैं, जिससे कि वो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इनको लीगल तरीके से इंसिस्ट किया जाता है शादी के लिए। फिर ये शादी करते हैं, ये 18 के होते हैं, वो 26 की होती हैं, और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं शादी के पहले। तो 8-9 महीने बाद एक बच्ची का जन्म होता है, फर्स्ट जो है डॉटर जन्म लेती है, जिसका नाम है सुजैना। सुजैना के बाद इनके कुल मिलाकर 3 बच्चे होते हैं। सुजैना फर्स्ट डॉटर होती हैं, किसकी, विलियम शेक्सपियर की, और 2 ट्विंस होते हैं, हैमनेट और जुडिथ। हैमनेट जो है ये लड़का है, ठीक, जिसका 11 ईयर में ही डेथ हो जाता है, और जुडिथ क्या है, इनकी डॉटर होती हैं। ठीक, हैमनेट की डेथ किस वजह से होती है, तो ये कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं मिलता कि उसका डेथ कैसे होता है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए आप लोगों की कि जो है विलियम शेक्सपियर का ट्विंस हुए थे, उसमें एक लड़का था एक लड़की, और लड़के की जो है 11 साल में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये उनका फैमिली बैकग्राउंड हुआ। और ये जब स्ट्रगल करते हैं अपने समय में, अगर इनकी एजुकेशन की बात करी, तो इनको ग्रामर तक का एजुकेशन मिला था। आप लोगों को पता है ग्रामर तक, हमें ग्रामर तक स्कूल का मतलब ये हो गया कि लगभग ये मैट्रिक्स या जिसको हम लोग कहते हैं 12 तक पढ़े थे। ये इनकी एजुकेशन की बात हो गई। उसके बाद आते हैं प्ले पे, सबसे मेन प्ले है। और विलियम शेक्सपियर को नेम ऑफ फेम किससे मिला था, तो ये एज ए प्ले राइट जाने जाते हैं, सानेटियर और एक्टर के नाम पे भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक्टिंग भी की है अपने ही कुछ प्ले में। इनको मैन ऑफ थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए हु इज़ नोन एज मैन ऑफ थिएटर, तो यू कैन टेल विलियम शेक्सपियर इज़ मैन ऑफ नोन एज द मैन ऑफ थिएटर। तो चलते हैं ट्रेजेडी को डिस्कस करते हैं, इसके कैरेक्टर को, सोर्सेस, सेटिंग। इसका सोर्स, हैमलेट का सोर्स क्या माना जाता है, हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ठीक, 1599 टू
1601 इसके बीच में माना जाता है कि ये इस समय लिखी गई थी। तो ये ट्रेजडी हो गया, इसका सोर्स देख लेते हैं क्या है। बेस्ड ऑन अफेस स्माइल ऑफ जेस्टा एंड डनोरम, ये सोर्स माना जाता है। बाय ग्रामेटिकस इन द लैटिन सी 1200 AD। सी का मतलब क्या होता है आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होना चाहिए, जब कोई डेट आता है, ईयर आता है, उसके पहले अगर सी लगा दिया जाता है ये चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको सका बोलते हैं। सका जिसका मतलब होता है अराउंड, लगभग, ठीक, कोई सर्टेन मतलब नहीं है कि ये इतना ही एग्जैक्ट नहीं है, एक गेस वर्क होता है, उसको हम लोग सका बोलते हैं। पूरा नहीं लिखा जाता स्पेलिंग, बस सी मेंशन किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता हो जाए कि ये वर्क लगभग इतना लिखा गया होगा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क था जिसका ये सोर्स लिए थे, तो ग्रामेटिकस के ये अ फेस स्माइल ऑफ जेस्टा डोनोरम से ये प्ले जो है, प्ले को सोर्स माना जाता है। और प्ले की सेटिंग क्या है, डेनमार्क है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए हैमलेट प्ले की सेटिंग कहाँ है, तो यू कैन टेल डेनमार्क। और कभी कभी हैमलेट प्ले का जो है टाइटल पूछ लिया जाता है कि प्ले का टाइटल क्या है, तो टाइटल है आपका द ट्रेजडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इस प्ले का फुल टाइटल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जो जिनको नहीं पता है वो उनको आज पता हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ वो तो ठीक है, आप लोग उसको नोट ही करेंगे, लेकिन जो लेक्चर के थ्रू कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको भी नोट डाउन करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं वो तो इसेंशियल इम्पॉर्टेंट होता ही है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग लेक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट, यू हैव टू राइट एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस वर्क यू विल कॉल वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके, और इट मे बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर जीनियस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, व्हाट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो। तो ये मैंने टाइटल को बताया, उसके बाद प्ले डिपिक्ट होता है प्रिंस हैमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। इसमें दिखाया जाता है कि जो प्ले का प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैमलेट है, पहले बात तो जो प्ले का नाम है वही मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर होता है, मेन रोल होता है, यूँ कहें कि हीरो होता है प्ले का, जिसमें सारी स्टोरी बेस होती है। तो इस प्ले में कौन है, हैमलेट है। अब हैमलेट क्या कौन है, हैमलेट प्रिंस होता है और किंग हैमलेट इनके फादर हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है पहले ही, प्ले स्टार्ट होने से पहले डेथ हो गया है, उसको मीडिया रेस में बताया जाता है कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इंग्लैंड की बात आती है, जब वहाँ मोनार्की होता है, शासन होता है, तो अगर किंग का लड़का है, सन है, जिसको हम लोग प्रिंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो अगर वो लोग दो भाई हैं, तो अगर किंग की डेथ होती है तो प्रिंस कौन, जो प्रिंस होता है वही किंग बनता है, जबकि उसका भाई भले ही बड़ा हो लेकिन वो किंग नहीं बनेगा, ऐसा नियम चलता था, वो मोनार्की सिस्टम था। तो क्या करता है ये जो क्लॉडियस और किंग हैमलेट दोनों क्या हैं, दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं, और क्लॉडियस हैमलेट का क्या है, अंकल है, और गेट्रूड इनकी माँ है,
किस किन की हैमलेट की और किंग हैमलेट की क्या है वाइफ है। देखिए हैमलेट और किंग हैमलेट में फ़र्क है। किंग हैमलेट मतलब हैमलेट के फादर होते हैं, जूनियर सीनियर भी कहा जाता है। अगर सीनियर हैमलेट कहीं आ जाए तो आप समझेंगे कि हैमलेट के फादर की बात हो रही है, यानी किंग हैमलेट की बात हो रही है। और जूनियर हैमलेट या प्रिंस हैमलेट आ जाए तो मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैमलेट की बात हो रही है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता तो मैंने इसको अच्छे से बताया। चार कैरेक्टर आपको पता हो गए। मेन किंग कौन होता है, किंग हैमलेट होते हैं जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। और डेथ क्यों हुई है, डेथ क्या हुआ है, मर्डर, इसको मर्डर कह सकते हैं। मर्डर कौन करता है, तो उनका खुद का ही भाई क्लॉडियस, जो इस प्ले का एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्ले का हीरो होता है उसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर कहते हैं, और जो प्ले का विलेन होता है इसको एंटागनिस्ट कैरेक्टर कहते हैं। ये दोनों मेन होते हैं। तो प्ले का हीरो कौन है, हैमलेट है, और उसका खुद का अंकल ही प्ले का एंटागनिस्ट है, मीन्स विलेन है इस प्ले का। तो वो क्या करता है कि किंग हैमलेट के अपने मतलब रिजॉर्ट में, अपने कैसल में वो सो रहे होते हैं। कैसल में क्या, आर्चर्ड में, आंगन में सो रहे होते हैं। तो क्या करता है, उनके कान में, ईयर में पॉइजन पोर कर देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो पहले से ही हो चुका है प्ले में, प्ले शुरू के पहले ही मतलब ये इंसिडेंट हो चुका है, ये सीन हो चुका है। उसके बाद होता क्या है कि जैसा कि आप लोगों को पता है, ये रिवेंज ट्रेजेडी भी है। इसमें पूरा फोकस बेस होता है कि जो प्रिंस होता है, किसका, किंग का जो लड़का होता है हैमलेट, वो अपने अंकल से, यानी जो एंटागनिस्ट कैरेक्टर है क्लॉडियस, उससे क्या लेता है, रिवेंज लेता है। रिवेंज बेस्ड ट्रेजेडी है, आप लोगों को पता ही है। तो ये तो हो गया, मैंने चार कैरेक्टर बता दिया, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा। पहला कैरेक्टर मैंने किसको बताया, किंग हैमलेट है, जो जिनकी डेथ हो गई है। उसके बाद चलिए, ये तो हो गया, मेन कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर पहले आपका क्या है, हैमलेट है। हैमलेट इज द टाइटल रोल ऑफ द प्ले एंड प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ऑफ द ऑफ दिस ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन इन अराउंड 1599 to 601। ठीक, इसको इतना माना जाता है कि 1599 से 1601 ईस्वी के बीच लिखा गया होगा। कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता, बस बट इट इज़ कंसीडर्ड। ये हैमलेट हो गया। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर क्या, कौन है, क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन होता है, हैमलेट्स अंकल एंड एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले, एंटागनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी, या विलेन भी कर सकते हैं। दो एंटागनिस्ट या विलन कौन है, क्लॉडियस। क्लॉडियस का रिलेशन हैमलेट से क्या है, तो क्लॉडियस इज अंकल ऑफ हैमलेट, हैमलेट का चाचा है, ओन, सगा चाचा, कोई मतलब इसमें वो नहीं है, ब्लड रिलेशन है इन लोगों का। ठीक, दो कैरेक्टर क्लियर हुए, मेन कैरेक्टर हैं। मैं थोड़ा टाइम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए एक कहानी के रूप में। हैमलेट हो गए, क्लॉडियस हो गए, दो कैरेक्टर डिस्कस किया। उसके बाद थर्ड मेन कैरेक्टर कौन है, गेट्रूड हैं, जो कि बाद में इनकी, इस जो हैमलेट का चाचा है क्लॉडियस, इनकी वाइफ होती हैं, विडो वाइफ होती हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड किंग हैमलेट यानी हैमलेट के फादर का डेथ हो जाता है। और ये इन लोगों का प्लाट होता है क्लॉडियस का, जो एक तरीके से इसमें दिखाया नहीं गया है प्ले में, लेकिन ये मर्डर करता है। मर्डर का सेंस ये है कि इनको, जो किंग हैमलेट हो, उनको उनके कान में पॉइजन पोर करने के बाद पब्लिक को क्या मैसेज देता है कि इनकी डेथ जो है सुसाइडल केस है, और अदर रीज़न बताता है। ये हो गया गेट्रूड कौन है। पहले तो
वाइफ ऑफ इस समय, क्योंकि डेथ हो जाती है, डेथ हो गई है किस किन की, इनके किंग की हो गई, किंग की वाइफ क्वीन गेट्रूड हैं, और जो कि किससे शादी की हैं, क्लॉडियस से, अपने ही मतलब हस्बैंड के छोटे भाई से, यानी किंग के छोटे भाई से। होता है कि अगर किंग बनने की बात आती है तो किंग बनने का रूल है, या फिर वो प्रिंस हो या तो क्वीन से शादी करे। अगर किंग की डेथ हो गई है तो अगर किसी को राजा बनना है या फिर उसका ब्लड रिलेशन हो, उसका सन हो, प्रिंस हो, और किंग बने, अदरवाइज अगर उसके अदर रिलेटिव्स हैं तो जिनसे बन सकता है रिश्ता, जो शादी कर सकता है, जैसे कि उसका अंकल क्लॉडियस वो शादी कर लेता है तो क्या बन जाता है, डेनमार्क का किंग बन जाता है, और ये क्वीन ही रहती है, वीडो क्वीन कर सकते हैं, हैमलेट मदर एंड क्वीन ऑफ डेनमार्क। कौन? गर्ट्रूड। गर्ट्रूड थ्री कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मैंने डिस्कस कर लिया, लगभग आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद पोलोनियस, पोलोनियस इज ए चीफ काउंसलर ऑफ किंग क्लॉडियस। क्लॉडियस का जो है किंग क्लॉडियस, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस समय प्ले में ये किंग है, क्योंकि किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है, इस समय किंग है, और उसका मेन जो काउंसलर है कौन है, पोलोनियस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, माइनर कैरेक्टर में, माइनर तो नहीं, मेन ही कैरेक्टर माना जाता है। और इसके दो चिल्ड्रेन होते हैं, एक लड़का एक लड़की, दो बच्चे होते हैं, जिसका एक लड़के का नाम है लियर्टिज, और जो डॉटर है उसका नाम है ओफेलिया। ओफेलिया इज अ बिलवेड ऑफ हैमलेट, जो प्रिंस है। प्रिंस की बिलवेड कौन है, प्रिंस की बिलवेड है ओफेलिया। ओफेलिया किन की लड़की है, तो पोलोनियस की। अपोलोनियस कौन है, तो पोलोनियस क्लॉडियस का क्या है, मेन चीफ काउंसलर है। पोलोनियस इज ए चीफ काउंसलर ऑफ क्लॉडियस। ऐसा कह सकते हैं कि जो विलेन है, विलेन का जो खास आदमी है, ये पोलोनियस है। अगर हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करें तो उनके खास, बहुत खास काउंसलर है। काउंसलर कौन होता है, जो कि पूरा मैनेजमेंट देखता है, किसका, किंग का। तो ये पोलोनियस हुआ, इसके दो बच्चे हैं मैंने बताया यहाँ, पहले तो ये जान लेंगे, ये भी करेक्टर है, और किंग का काउंसलर है तो क्लॉडियस का। उसके बाद ओफिलिया है, सी इज ए बिलवेड ऑफ प्रिंस हैमलेट, हैमलेट की बिलवेड है। और ओफेलिया की प्ले में डेथ कैसे होती है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ये डूब के, ड्रोन किसी रिवर में, किस पेड़ पे बैठे हुए, वहाँ से गिरती है, पानी में डूब के इनका डेथ हो जाता है, इनका, ओफेलिया का। ठीक, ओफेलिया इज अ डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड ब्रदर ऑफ लियर्टिज एंड बिलवेड ऑफ हैमलेट। इनका रिलेशन अगर पूछ लिया जाए तो, अगर पोलोनियस से पूछ लिया जाए तो ये इनके फादर होते हैं, लियर्टिज हैं, लियर्टिज की ये क्या है, सिस्टर हैं, और इन हैमलेट की विलवेड हैं। इन दोनों का अफेयर चलता है, और अगर इनके बारे में कहा जाए तो ओफिलिया को यंग नोबेल वीमेन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये चार कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, कौन, हैमलेट, क्लॉडियस, पहले तो किंग हैमलेट है, जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी है, हैमलेट को डिस्कस किया, क्लॉडियस को, गर्ट्रूड को, पोलोनियस, ओफेलिया, ये लगभग मैंने छः कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया जो मेन है। उसके बाद अभी दो मेन कैरेक्टर और हैं, उसके बाद देन माइनर कैरेक्टर आएंगे। लियर्टिज ओफिलिया का भाई होता है, ही इज अ ब्रदर ऑफ ओफिलिया, ओफिलिया का भाई होता है, एंड सन ऑफ पोलोनियस, एंड ही किल हैमलेट।
ये ऐसा पर्सन होता है इस प्ले में जो कि हैमलेट को अपने स्वॉर्ड से, जो पॉइजन स्वॉर्ड होता है, उससे मार कर देता है, जिससे कि जो स्वॉर्ड में पॉइजन लगता है, लगा रहता है, वो उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे लास्ट में जो है किसका, जो हीरो है, उसका डेथ होता है। तो ये पता होना चाहिए कि हैमलेट का डेथ कैसे होता है और कौन कौन मारता है। तो ये लियर्टीज ही है जो किसको, हैमलेट को मारता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। और ये ही इज ए सन ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस का लड़का है। और एक मेन कैरेक्टर और है, होरेसियो। होरेसियो कौन होता है? तो ये जो प्ले का प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर हैमलेट है, उसका क्या है, उसका दोस्त है, फ्रेंड है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ हैमलेट। दो कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर हैं जो कोर्टियर होते हैं, वल्टीमंड एंड कार्नेलियस। वल्टीमंड एंड कार्नेलियस, ये दो कैरेक्टर कोर्टियर हैं। लगभग मैं सारे कैरेक्टर को डिस्कस करूंगा, एक भी कैरेक्टर नहीं छोड़ूंगा। दो मेन कैरेक्टर ये रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टर्न। रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टर्न, ये दो कैरेक्टर हो गए। ये दोनों क्या होते हैं, कोर्टियर एंड हैमलेट्स फ्रेंड। ये लोग आल्सो कोर्टियर होते हैं, दरबारी होते हैं हिंदी में, और क्या है, हैमलेट के, यानी जो हीरो है, उसके दोस्त होते हैं। ऑर्सिक है, ये भी कोर्टियर है। फिर मार्सेलस है, ये जो क्या होता है प्ले में, एक ऑफिसर होता है। बर्नार्डो आल्सो एन ऑफिसर। फ्रांसिस्को, ये सब माइनर कैरेक्टर हैं, इनके बारे में कोई बहुत स्टोरी नहीं है, इसलिए इनको जस्ट नाम बता रहे हैं। जो फ्रांसिस्को होता है, ये क्या है, एक सोल्जर है, एक सिपाही है। रिनॉल्ड है, पोलोनियस सर्वेंट है, जिसको मेंशन किया गया है। ये जो एंटागनिस्ट है, उसका क्या है, सर्वेंट है, नौकर है। नौकर को हम लोग कभी कभी पेज कहते हैं और बटलर भी कहते हैं। वो बटलर वो होता है जो मेन सर्वेंट होता है, हेड ऑफ द सर्वेंट, दैट पर्सन इज कॉल्ड बटलर। ये हो गया। उसके बाद घोस्ट है, 14 ब्रास कौन होते हैं, तो ये भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये होते हैं किंग, कहाँ के, तो नॉर्वे के, किंग ऑफ नॉर्वे। उसके बाद ग्रेव डिगर कैरेक्टर है, अ पेयर ऑफ सेक्सटन। ये इतने सारे कैरेक्टर हैं, इतना कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट अच्छा वाला लीजिए, ले लिए होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले था, इसको मैंने डिस्कस किया, एक समरी बताई। और इस प्ले को लिखा कितने लाइन में गया था, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4000 लाइन इस प्ले में है, जो कि विलियम शेक्सपियर की ये जो हैमलेट प्ले है, ये सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। और जैसा कि आप लोगों को अभी पता चल गया कि लॉन्गेस्ट प्ले कौन है, हैमलेट है, तो शॉर्टेस्ट प्ले भी पता होना चाहिए। तो इसके पहले मैं जो प्ले के बारे में डिस्कस किया हूँ, उस प्ले का नाम है मैकबेथ। तो मैकबेथ को शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और लाइन भी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू नो देर आर 29,551 वर्ड्स इन दिस प्ले एंड 4,000 लाइन्स इन दिस प्ले ओवरऑल।
ओवरऑल कितनी, मतलब 4000 लाइन है और 29551 वर्ड्स हैं इस प्ले में। तो इस प्ले को लॉन्गेस्ट प्ले कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कौन लॉन्गेस्ट प्ले है, कौन सा आर्टिस्ट है, कौन ट्रेजेडी है, कौन कॉमेडी है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करूंगा और आप लोग मेरे क्लास के साथ इतने देर जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चार काम ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं भूलिएगा। थैंक यू।